हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बायोमाइसिन जेल क्रीम, जो कि देखिए काफ़ी लोग पिंपल, एक्ने ऐसी प्रॉब्लम में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम इस प्रॉब्लम में इसको यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कैसे एक्ने पिम्पल पर हमें इसको यूज़ करना है, क्योंकि एक्ने हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से हमें कैसी प्रॉब्लम पर इसको वर्क करना चाहिए एंड कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर यूज़ पता नहीं होगा तो फिर आप कितनी ही अच्छी क्रीम यूज़ कर लीजिए, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आज हम इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट एंड इसके फ़ायदे, एंड हम ये भी देखेंगे कैसे इसको यूज़ करना है। और गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात की है ना, आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो इसको कब तक यूज़ करना है और कैसे लोगों को ये क्रीम यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रीम यूज़ नहीं करनी होती है, उनको एलर्जी होती है। जो भी प्रॉब्लम है मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगी इस वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमें और ऐसे क्या हमारी जीवन शैली में भी बदलाव करने चाहिए, जिससे कि हमें क्रीम के साथ साथ और अच्छा रिज़ल्ट मिल सके एंड वो रिज़ल्ट काफ़ी लॉन्ग हो। ओके, मतलब कि लाइफ टाइम हमारी स्किन अच्छी रहे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन जेल, जो कि बायोमाइसिन, अब इस पर मेंशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने एंड पिम्पल। ओके, देखिए ये जो बायोमाइसिन क्रीम है, ये मैकोलाइड एंटीबायोटिक्स के नाम से मोस्टली इसको हम लोग जानते हैं। एंड ये कहाँ वर्क करती है? ये वर्क करती है मुहासे, वल्गरिस जो एक्ने होते हैं उनके ट्रीटमेंट में वर्क करती है। ओके, एक्ने वल्गरिस क्या है? एक्ने वल्गरिस है स्किन की एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो मोस्टली काफ़ी लोगों को होती है, काफ़ी लोगों को थोड़ी थोड़ी, मतलब एक सामान्य सी प्रॉब्लम है हमारे एक्ने की, तो उसमें ये क्रीम वर्क करती है। अब सबसे बड़ी बात कि मुहासे, पिंपल, एक्ने होते कब हैं? तो पिंपल हमारे होते हैं जब हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, उनमें जब डेड सेल्स और जो हमारे ये सीबेसिस ग्लैंड से बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। और जो उनका रास्ता जब रुक जाता है, बंद हो जाते हैं वो छेद, तब हमारे एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। ओके, अभी आपको पता चल गया कि पिंपल क्यों होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बातें जानना ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो ये क्रीम कैसे वर्क करती है ये हम देखते हैं। तो जो ये क्लैरिथ्रोमाइसिन है, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, जिससे पिम्पल पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो उससे हमारे प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, वरना पिम्पल्स का इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकता है, ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? देखिए, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको पता है, मोस्टली जो क्रीम से होते हैं हमारी स्किन थोड़ी सी जलने लग जाती है, हमें थोड़ी जलन फील होती है, खुजली होती है, स्किन पीलिंग होने लग जाती है, थोड़ी ड्राइनेस आ जाए स्किन पे। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं, इट मीन्स ये क्रीम आपको सूट नहीं कर रही है, तो फिर आपको स्किप कर देनी है और कुछ टाइम में प्रॉब्लम्स खुद ही ठीक हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़रूरी है। तो देन आप अगर ज़्यादा दिन प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब गाइज देखिए, अगर आपको ये क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ये जो भी एजिथ्रोमाइसिन, इस प्रकार की जो दवा यूज़ होती है जिन क्रीम्स में, और अगर आपको सूट नहीं करती है और आपको पता है, क्योंकि ये सब एक ही तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब एक ही सॉल्ट हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ये सभी, तो अगर आपको ये सूट नहीं कर रही है, ये दवा यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको या तो एलर्जी के लिए पता होगा या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, तो फिर वो आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे। तो आपको अगर लग रहा है कि हमको ये सूट नहीं कर रही है तो फिर आपको इसको छोड़ देना है, और अगर पहले से पता है तो यूज़ ही नहीं करनी है। ओके, अभी अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, फीडिंग करवाती है, देन उनको डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ ऐसे किसी के भी बोलने से यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद में देखिए गाइज,
अब ये क्या करती है, ये क्रीम हम सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके कोई भी ओपन एरिया पर लाइक आपके आँख, मुंह या फिर सेश्म झिल्ली कहीं भी ये क्रीम नहीं लगनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चली गई है तो फिर आपको तब की तब उस एरिया को अच्छे से वॉश कर लेना है। बाकी ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। और देखिए, इसको यूज़ करने के निर्देश भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़े से। सो इसको आप कभी भी धूप में नहीं रखें, जलन वाली जगह पर, मतलब जहाँ गर्माहट हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप इसको यूज़ ना करें, है ना। और कुछ चीज़ें देखिए मैं आपको और बता देती हूँ कि आप जब भी इसको यूज़ कर रहे हैं, हमेशा आपके हैंड क्लीन होने चाहिए। आपका वो जहाँ भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं वो एरिया अच्छे से क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल पतली लेयर आपको अप्लाई करनी है। डॉक्टर ने आपको जैसे बताया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको अप्लाई करके यूज़ करना है। डॉक्टर ने जितनी डोज़ आपको सजेस्ट की है, जितनी क्वान्टिटी में आपको यूज़ करना बताया है, उतनी ही क्वान्टिटी में आपको इसको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो अभी आपको पता चल गया कि किस प्रकार के एक्ने पे हमें क्रीम यूज़ करनी है एंड क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी मैंने बता दी है। एंड देखिए, क्रीम है, क्वांटिटी हमें इसमें मिल रही है 15 ग्राम। और अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं हमारे खुद को, हमें क्या क्या छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब हमारे स्किन पर ऐसी प्रॉब्लम हो। तो देखिए, आपको ना थोड़ा सा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट 2-3 डेज़ में एक बार आप अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। और बाकी डेली आपके स्किन टाइप के अनुसार आपको नॉर्मल जो भी आपके स्किन टाइप के अनुसार फेस वॉश है उससे क्लीन करना है, ओके। तो एक्सफोलिएट करने से क्या होगा, आपकी स्किन में जो भी डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाएंगे और ऐसी प्रॉब्लम्स कम होगी। डेली एक्सरसाइज हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पानी बहुत पीना है, क्योंकि पानी पीने से हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है एंड ऐसी प्रॉब्लम्स पनपती नहीं है, डेड सेल्स भी नहीं आते हैं और हाइड्रेट रहती है तो बहुत स्मूथ रहती है, ओके। और देखिए गाइस, आपको कभी भी आप मेकअप डेली कर सकते हैं, लेकिन मेकअप हमेशा आपको अच्छे प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं। एंड मेकअप करके कभी भी आपको रात में सोना नहीं है। काफ़ी लेडीज़ होती हैं जो प्रोग्राम में जा कर के आए उसके बाद में आलस करती हैं, जबकि हमको डबल क्लींजिंग करनी चाहिए अगर हमने मेकअप किया है तो। तो कभी भी मेकअप वेयर करके आपको सोना नहीं है, बेड पर जाने से पहले आपको अपना मेकअप कंपलसरी रिमूव करना है, ओके। डेली स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना है, जो भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आपको डेली स्किन केयर रूटीन करना ही है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन को भी पोषण की ज़रूरत होती है एंड उसके लिए हमें स्किन केयर डेली में लेना ही चाहिए। मॉर्निंग नाइट रूटीन तो हमें कंपलसरी फॉलो करना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी हुई होती है, ठीक है। जैसे इसमें कंपोजिशंस दिए हुए हैं तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो जब भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये देखकर प्रोडक्ट ख़रीदना सीखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें आइडिया होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और क्या वो हमारी स्किन को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। तो जो भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल हमारी स्किन को डार्क भी बनाता है एंड अल्कोहल हमारी स्किन का हाइड्रेशन कम करता है, हमारी स्किन की नमी को कम करता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है या आपने देखा है, आपको देखकर लेना आ रहा है, तो फिर आप देखिए अगर अल्कोहल यूज़ किया हुआ है उस प्रोडक्ट में तो आप वो बाय मत कीजिए, आप कोई और प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कंपनियों की मार्केट में कोई कमी नहीं है, तो जो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग कंफर्ट लगता है आप वो यूज़ कीजिए। किसी के भी कहने से आप कुछ भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी और उनकी स्किन अलग है। उनकी स्किन को जो सूट होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी भी स्किन को सूट हो। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रख करके और स्किन केयर करनी है तो आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। Thank you.